आप जाते थे, रिजेक्शंस वगैरह भी मिली आपको कभी? मेरी जिंदगी रिजेक्शन से भरी हुई है. किसी ने उसको लेकर भी मैं काफी इम्यून हो चुका हूं. मतलब अगर कुछ कोई बोल रिजेक्ट कि... कैसे करते हैं हा? क्या बोलते हैं रिजेक्ट करते टाइम? रिजेक्ट करते कोई किसी को नहीं विश्वास था कि मैं एक्टर बन सकता हूं. मेरी बीवी को भी विश्वास नहीं था मैं एक्टर बन सकता हूं. एक बार हम पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के बाहर हमारी हम बैठे हुए थे, तो वी वर सीइंग ईच अदर. तो उन्होंने अब क्या आगे क्या सोचा है, तो मैंने बोला मैं एक्टर बनना चाहता हूं. शी स्टार्टेड लाफिंग कि तुमने वो तो ठीक है पर पैसे कैसे कमाएंगे, हाउ विल वी सर्वाइव एक्टर. मतलब हर कोई एक्टर बनना चाहता है, वो भी एक्टर बनना चाहता है. तो किसी को बिलीफ नहीं था मेरे पे, मेरी खुद की बीवी सगी बीवी को बिलीफ नहीं था. तो मैं खुद अपने सेल्फ बिलीफ पे ही चल रहा हूं अभी, या फिर मेरे पापा को बिलीफ था. तो अभी भी मतलब रिजेक्शन मिलती रहती हैं, जो भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं. आई यूटिलाइज क्रिटिसिज्म एज अ फॉडर. जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं मुझे और मोटिवेशन मिलती है अंदर से, मैं बताता हूं अब मैं बताऊंगा करके. तो वो अंदर से आ जाता है. तो अभी किसी ने क्या बोला हुआ है कि वो जो आपने सोचा हुआ है ये भी करके बताऊंगा? वही लोग कहते हैं एक्शन में देख नहीं सकता इसको, एक्शन शायद ये कर नहीं सकता. तो अच्छा, आप एक्शन इसलिए कर रहे हो क्योंकि किसी ने बोल दिया कि एक्शन नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं जॉनर एक्सप्लोर करना चाहता था. अगर ऐसा होता तो मैं शायद दूसरी तीसरी फिल्म में भी ये प्रूफ पॉइंट करने के लिए कर देता. लेकिन वो खुद के लिए है. मोर देन अगर दुनिया को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आई थिंक आप खुद से कॉम्पिटिशन रखते हैं ज्यादा. और एक फिल्म की कहानी अलग होनी चाहिए. जॉनर आप चाहे सेम भी हो, तो एक्शन एक्सप्लोर करने में 10 साल लग गए, पर दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक. कहानी चूज करने का तो चूज करने की लग्जरी तो अब है ना आपके पास. जब आपने शुरू किया था तब तो कहानी चूज करने की लग्जरी नहीं रही होगी. ऐसा एक्चुअली नहीं है. जब मैं इंटरव्यू लिया करता था एज अ जर्नलिस्ट, एज अ टीवी एंकर या रेडियो पे, मैंने बहुत स्टार्स को बहुत करीब से देखा है, उनकी जर्नी को बहुत करीब से देखा, उनके सक्सेसेस को, उनके फेलियर्स को, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है. और विकी डोनर करने से पहले मैंने कम से कम 5 फिल्मों को मना किया था. आपने मना कर दिया था? मैंने मना किया था क्योंकि आई वॉज वेरी सिक्योर इन माई हेड कि ये तो मैं कर ही रहा हूं. मतलब मैं रेडियो कर रहा हूं, टेलीविजन कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं फिल्म करूंगा एज ए लीड तो वो फिल्म बहुत अलग होनी चाहिए, नहीं तो दूसरा चांस मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूं. तो पहली फिल्म बहुत ही अलग और कुछ हटके होनी चाहिए. और आई एम ग्लैड विकी डोनर मेरे पास आई. और सुजीत सरकार ने मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया. दादा ने ऑडिशन नहीं लिया, उन्होंने बस मेरे को टीवी पे देखा था. उन्होंने लगा कि ये शायद यही लड़का है जो विकी बन सकता है विकी डोनर में. ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? पता नहीं. जैसे जैसे अन्नू कपूर ने बोला था, शक्ल देखकर बंदे का स्पर्म पहचान लेता हूं. पता नहीं क्या पहचाना उन्होंने मेरा. आई हैव नो आइडिया. जो ये टेंशन होती है रिलीज होने से पहले वाली, जिसपे हम कई स्टार से बात कर रहे हैं, वो होती है आपको कि अरे ये अब फ्राइडे आ गया फिर से? हमेशा ऐसा लगता है कि मैट्रिक के रिजल्ट आने वाले हैं. कि 10वीं के बोर्ड के एग्जाम हो गए, अब रिजल्ट आने वाला है. और नॉर्मली एक्टर्स ना थोड़े से ऑब्जेक्टिविटी लूज कर देते हैं. उनको नहीं पता चलता फिल्म में क्या खामियां हैं, क्या है, क्योंकि आप इतने जुड़े होते हैं उस प्रोजेक्ट से. बनते वक्त पता नहीं चलता ये कैसी बन रही है, क्योंकि ये उससे नहीं पता चलता. ये एग्जाम से तो ये होता ना कि आपको पता ये क्वेश्चन गलत कर दिया. लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, उस फिल्म से जुड़े होते हैं और आपको उसके सारे मोमेंट्स, सारे बीट्स पता है. जैसे आपको एक जोक कोई 100 बार सुनाएगा, हंसना बंद कर देंगे आप. वो फिल्म में बस 100 बार अपने आप के अंदर समा चुके हैं, तो यू डोंट नो कि पिक्चर कैसी बनी है. तो आपके अलावा सबको पता होता है. आप अपने बबल में जीते हैं कि अच्छा ये पिक्चर तो पता नहीं, अब यू ऑलवेज लिटिल कंफ्यूज, लिटिल इफी. पर हाँ, जितनों को फिल्म दिखाई है एन एक्शन हीरो, तो उनको अच्छी लगी है. हमने सैम्पल शोज भी किए, सो आई होप इट वर्क्स विद द थिएटर गोइंग ऑडियंस ऑल्सो. लोगों को तो बहुत पसंद आई है अभी. आपने बताया कि जैसे आपने बाला थिएटर में लोगों के साथ देखी थी, तो लोगों के कमेंट्स भी सुने होंगे बीच बीच में? मैंने तब हुडी पहनकर और मैं लास्ट में बैठा हुआ था एंड में. बनारस छोटा शहर है, वहां पर ऑफकोर्स जब बाहर निकल रहा लोगों ने पहचान लिया था, तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. मुंबई में पीपल आर यूज टू सीइंग एक्टर्स. छोटे शहरों में जाओ वहां ज्यादा मजा आता है जाकर, क्योंकि वहां पर यू गेट ऑल द मोर अटेंशन. तो बाला वॉज वेरी स्पेशल क्योंकि छोटे शहर की फिल्म है और छोटे शहर में देखी थी, एंड इट जस्ट गेव दैट वाइब. तो ये बॉक्स ऑफिस से ऑब्सेशन है आपको भी? बॉक्स ऑफिस से ऑब्सेशन तो नहीं, मुझे बड़े पर्दे से ऑब्सेशन है.
मतलब फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चलनी चाहिए। आइडियली देखो मेरी फिल्म में कोई 200 करोड़ की उसकी बजट नहीं होती, मेरी मिड बजट या स्मॉल बजट फिल्में होती हैं, नॉर्मली प्रोड्यूसर्स रिकवर कर ही लेते हैं, तो इतना प्रेशर नहीं होता, तभी मैं रिस्क ले पाता हूं। आप रिस्क तभी ले सकते हैं कि अगर आपकी फिल्म की बजटिंग करेक्ट है। अगर फिल्म की बजटिंग बहुत ज्यादा है तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आप में कम हो जाती है, तो वो थोड़ा सा। और मैं अपना भी रेम्यूनरेशन कुछ ऐसे फी स्ट्रक्चर करता हूं कि पिक्चर कमाएगी तो मुझे पैसे दे देना, आई वॉन्ट द फिल्म टू वर्क।